Good morning, dear friends. Once again, welcome for the physics lecture. Eid Mubarak for Muslim brothers and sisters. Okay, I don't know when it is there, but still. Now we will again start discussing about basic physics. Yesterday we have taken the overview and the idea about work done, correct, when it is positive, when it is negative, and when it is zero. And what we have learned from that is the force is in the direction of displacement, means if the force and displacement are in the same direction, so for positive, what we have wrote, force and displacement are in the same direction. This is the exact summary of the yesterday's discussion. Second, negative, when we will call negative, F and X are in opposite direction. Opposite direction, hai na? And lastly, third one, which will be zero. So zero, either number one, we can write either F is equal to zero. Force hi nahi hai, to work kaise hoga? Second one, or displacement zero, force diya lekin displacement nahi hoga. And third, F and X are perpendicular. So these are the three cases in which we will see that the work done will be zero, positive or negative, whatever it is there. So that was the thing. Okay, so today what we will do, today we will again solve some problems of pressure also on work. That will be our task for today. Because many students asked me query about the questions, the problems, whatever I gave you. Okay, so we'll start with those. Okay, I will not repeat the problems because repeating the problem will not make any solution to the to our problem. So I will take any problem. Okay, so first of all, problem number one. So practice of problem solving. This will be the practice lecture for the problem solving. मैं आपको सामने दिखाऊंगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, मतलब यू विल गेट द आइडिया हाउ टू सॉल्व द गिवन पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम, सपोज ऐसा दिया है बेटा, दिस इज अ वॉल, एरिया दिया है बेटा, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटा है, एकदम छोटी छोटा एक एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फोर्स ऐसे लग रहा है. तो बहुत जन ने किया है, मेनी ऑफ यू हैव डन, बट मेनी आर आस्किंग फॉर द सॉल्यूशन. सो इन दिस लेक्चर आई विल बी गिविंग द सॉल्यूशन. सो दिस इज सपोज इफ इट इज 30 डिग्री, तो ये क्या करने का बेटा अभी, और फोर्स है 3 न्यूटन. तो यहाँ पर डायग्राम बनाओ सॉल्यूशन. तो प्रेशर कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया. तो अभी ये जो वॉल है यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इसको एक्सटेंड करो ऐसे, बराबर. तो मेरा फोर्स कैसे बन गया, मेरा फोर्स ऐसे बन गया. वेरी सॉरी, ये 3 न्यूटन बन गया. अगर ये 30 डिग्री है तो मतलब ये 30 डिग्री होगा, बराबर. तो इसको अगर परपेंडिकुलर लेना है इस कंपोनेंट को, तो मैं कैसे ले सकता हूँ, ऐसे, एंड देन आई कैन गेट दिस कंपोनेंट टू बी एफ परपेंडिकुलर, करेक्ट. सो दिस विल बी माय एफ परपेंडिकुलर. एफ परपेंडिकुलर कितना आएगा बेटा, ये 30 मतलब ये 60, सो 3 cos 60, बराबर न्यूटन. तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 cos 60 अपॉन एरिया 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना. तो ये cos 60 कितना है, रूट 3/2,
साइन 60 सॉरी कॉस 60 वन बाय टू 3 इंटू 1 बाय टू अपॉन 20 इंटू 10 दिस टू माइनस 4 तो कितना बन सकता है 3 बाय टू 20 टू 40 सो 3 इंटू ये ऊपर जाएगा 10 दिस टू 4 अपॉन 40 सो ये बन जाएगा से एक जीरो को इसने काटा तो ये बन जाएगा 3000 अपॉन 4 एक जीरो निकाल दिया मैंने तो मतलब ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन हाउ आई हैव डन दैट ओके आई डोंट नो दिस सेम एग्जांपल इज गिवन बट लाइक द हिंट यू कैन टेक ओके सपोज दूसरा दिया है सपोज अभी ऐसे दिया है कैसे दिया है ऐसा दिया है 45 और ये है रूट टू न्यूटन ओके और इसका एरिया दिया है एरिया 20 मीटर स्क्वायर सपोज तो यहाँ पे भी क्या करना है इसके कंपोनेंट बनाने के ये 45 मतलब ये भी 45 तो ये मेरा फोर्स बन जाएगा बेटा दिस विल बी माय फोर्स करेक्ट एंड देन आई विल गो फॉर फाइंडिंग आउट दिस एफ परपेंडिकुलर विच विल बी रूट टू कॉस 45 दैट इज रूट टू इंटू 1 बाय रूट टू ये बन जाएगा 1 न्यूटन एफ परपेंडिकुलर ये बन गया 1 न्यूटन सो प्रेशर विल बी सिंपली F perpendicular upon A तो ये बन गया 1 upon 20 तो कितना बन सकता है 0.05 पास्कल ओके सो दिस इज द वे इन विच इट कैन बी डन सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स आई हैव शोन यू हाउ टू डू दैम ओके सो आई सजेस्ट यू टू नोट दैम डाउन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम पॉज इट सी दैम ओके then we'll go for the next problems. So that was about calculating the pressure. Okay. If you want any more problems, then you may ask for that. Okay. Otherwise, the way in which I have shown you, that is okay. Now we'll go for work problems. Okay. So number one. सपोज ऐसा दिया है यहाँ पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन तो यहाँ पे हर टाइम कॉस थीटा ही आएगा यहाँ पे हर टाइम कॉस थीटा आएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट दिया है इसका एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर ऐसे दिया है तो यहाँ पे और ये एंगल है 30 डिग्री तो वर्क डन कैसे लिखेंगे वर्क डन विल बी मैग्नेट ऑफ फोर्स इंटू मैग्नेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम कॉस कितना है कॉस 30 बन जाएगा साइन 30 1 बाई टू कॉस 30 रूट 3 बाई टू तो एफ 10 दिस इज 2 इंटू रूट 3 बाय 2 तो वर्क डन कितना आएगा वर्क डन विल बी 10 रूट 3 जूल So I think you have understood that. This is actually for the students, those who are not able to understand how to solve the problems. क्योंकि मैंने direct दिया था बहुत सारे student ने solve करके दिया है बराबर भी है बहुत सारे student का लेकिन जिनको आता नहीं है उनके लिए मैंने solve करके दिया है So today's lecture is mostly for the students, those who are having any problem in calculating the कैलकुलेटिंग दिस वर्क डन प्रेशर ओके जैसा ऐसा मेरे को याद आते जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखाते जाएंगे बराबर तो अभी ये अगर ये केस है सपोज फोर्स दिया है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर तो इस केस में डायरेक्टली आप लिख सकते हैं वर्क विल बी जीरो क्यों F इज परपेंडिकुलर टू X सो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी जीरो बिकॉज फोर्स एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस देखो हाउ मीनिंग ऑफ हाउ दैट ऑल्सो आई विल टेल तो इसका इसके और इसके बीच में एंगल कितना है 90 है तो इसका कॉम्पोनेंट यहाँ पे कितना आएगा अगर आपने F परपेंडिकुलर लिखा
एफ परपेंडिकुलर, तो कितना आएगा, एफ परपेंडिकुलर विल बी एफ कॉस 90, और कॉस 90 आता है जीरो, तो जीरो आएगा, तो फोर्स जीरो हो गया, इसलिए वर्क जीरो हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। इसके जैसा ही दूसरा एक प्रॉब्लम ढूंढते हैं, और कैसे दे दूं प्रॉब्लम आपको, और एक कैसा देने का, और सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्टली कर सकते हैं, वो देने का जरूरत नहीं है। 10 न्यूटन और ये है एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, तो थीटा कितना आएगा, थीटा जीरो आएगा, क्योंकि एफ परपेंडिकुलर वही आएगा, एफ कॉस जीरो। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आएगा 10 इंटू 2 इंटू 1, सो यहाँ पे आएगा 20 जूल। तो बेटा इन दिस वे वी कैन सॉल्व द सिंपल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू द वर्क डन। ओके ठीक है, नाउ आई विल गो फॉर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ओके, वॉट आर दोज इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट दैट, बट आई थिंक वी हैव नॉट डिस्कस दैट, समथिंग आई वॉज अबाउट टू गिव यू, मैंने बोला था बाद में सिखाऊंगा आपको, तो थोड़ा सा उसको मैं रिकॉल करता हूँ, मेरे याद में नहीं क्या कुछ तो बोला था मैंने, एक पॉइंट बोला था, तो अभी उसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने क्या पॉइंट बोला था आपको बताना है, ऐसा मैं बोला था, हाँ आ गया इसमें, अभी जो मैंने आपको सिखाया वर्क डन में, वहाँ पे हमने क्या सीखा, फोर्स के परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट वो हमने निकाले, और वेक्टर का तो आपने आपको दिखाया, मैंने पोजीशन वेक्टर आपको दिखाया मैंने कैसे आता है वो, है ना। अभी पोजीशन वेक्टर के बाद में और एक आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, वो ठीक है, विल डू दैट। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ यस आई गॉट इट, इम्पॉर्टेंट वन, इम्पॉर्टेंट वन। अभी ये वर्क वगैरह में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना होगा, रिमेंबर, क्या रिमेंबर, तो एंगल, तो एक पूरा जब सर्कल लेते हैं हम, तो सर्कल के लिए पूरा एंगल कितना लेते हैं, 360 बराबर। तो अगर यहाँ से मैंने पूरा एंगल लिया तो हो जाएगा 360, ये 90, 180, 270 एंड 360, तो यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंगल, तो ये यहाँ पे आपको लगेगा। तो इस लेक्चर में वो भी मैं आपको पूरा कर देता हूँ, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, लेकिन सब जगह अपने को कॉस थीटा साइन थीटा ये तो लगता ही है। तो ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, दिस इज़ द वेरी वेरी बेसिक, मतलब जिसको कुछ भी आएगा नहीं साइंस में, उसको भी ये आना ही चाहिए साइंस का बच्चा होने के लिए, इतना ये इम्पोर्टेंट बेसिक है। आई थिंक आपको आता होगा, लेकिन देखो पहले क्या करने का, एंटी क्लॉकवाइज जाने का यहाँ से, तो ये मेरा स्टार्टिंग कर दिया एंटी क्लॉकवाइज जाने का, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ गया बराबर 90 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ 180, 270, 360, मतलब जीरो बाद में 360, ओके, यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंगल। ओके, देर आर थ्री टाइप्स, देर आर टू टाइप्स, वन इज प्लेन एंगल, यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल दो में मेजर करते हैं, कौन कौन सा, डिग्री एंड दूसरा रेडियन, डिग्री में भी मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है आपका सॉलिड एंगल, वो स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, इसमें मेजर करते हैं स्टेराइडियन। तो वो क्या होता है, तो ये प्लेन एंगल हुआ, ये प्लेन एंगल हुआ पूरा, ऐसा मैंने ऐसा 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 करके दिखाया जो प्लेन एंगल हुआ, लेकिन अगर मैंने कोन लिया, कोन आपका आइसक्रीम का कोन होता है ना, तो अभी इसमें क्या आएगा, सॉरी इसमें आएगा आपका, ये इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल,
इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ओके, तो सॉलिड एंगल अपने लिए ज़्यादा नहीं है, अपने लिए प्लेन एंगल इंपॉर्टेंट है। तो प्लेन एंगल में अभी क्या है, सॉलिड एंगल समझा, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, कौन का जो एंगल होता है, नहीं तो स्पीयर का पार्ट लिया एक, जैसे हम वाटरमेलन कट करके देते हैं ना, कैसा है मीठा है या नहीं है, वो ऐसा उसको क्रॉस करते हैं, वो निकाल के देते हैं तरबूज को, है ना। सो लाइक दैट इफ ही विल कट लाइक दैट राउंड, देन उसको एक कोन जैसा मिलेगा, वो जो एंगल आएगा उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो वो आपको बाद में आता है, अभी उसका यूज़ करने का कुछ ये नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, वो देखेंगे अभी, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा मैं 2-3 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दे दूंगा आपको, वो आपको रिसाइट करने हैं। हाँ, आज का काम वही होगा। तो पहला काम मैंने कर दिया, वर्क फोर्स और प्रेशर, दोज प्रॉब्लम्स आई हैव शोन यू, 6 प्रॉब्लम्स आई हैव शोन यू, तो यू सी देम, वॉच देम अगेन बाय पॉजिंग द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, दोज यू आर कंप्लीटेड फॉर देम देर इज नो प्रॉब्लम। नाउ वी विल गो डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री एंड रेडियन व्हाट इज द रिलेशन दैट वी विल ट्राई टू फाइंड। तो अभी डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन क्या है, तो 360 डिग्री इज टेकन एज 2π रेडियन, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, और लिखते टाइम हम 2π रेड भी बोल सकते हैं, उसको रेड, रेडियन को हम रेड भी बोल सकते हैं। तो ये सी, छोटा सी, उसको रेड भी बोलते हैं। 180 डिग्री इज कॉल्ड एज पाई रेडियन, ओके। 90 डिग्री इज कॉल्ड एज पाई बाई 2 रेडियन। 45 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री पहले लेते हैं, 60 पाई बाई 3 रेडियन, बाद में 45 डिग्री कितना आएगा, इसका हाफ, मतलब पाई बाई 2 का हाफ, पाई बाई 4 रेडियन। 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको मालूम नहीं है उनके लिए ये VIMP है। तो आप बोलोगे सर व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम, हाउ टू गेट द रिलेशन, सिंपल है, 360 डिग्री और से 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन ना। तो बेटा अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, बराबर, देयरफॉर एक डिग्री के लिए कितना होगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू एक्स रेडियन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो एक्स कितना आएगा, एक्स इंटू 180 इक्वल टू पाई, सो एक्स विल बी पाई बाय 180, बराबर। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, सपोज मेरे को डिग्री टू रेडियन करना है, डिग्री टू रेडियन मतलब 90 डिग्री का रेडियन निकालना है, तो उसको कितना, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, देखो 90 को मल्टीप्लाई किया मैंने, 90 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, 91 जा 90, 92 जा 180, पाई बाय 2 आ गया। और उल्टा रेडियन टू डिग्री किया आपने, आई थिंक मैथ्स में भी हुआ होगा आपका, पंडित सर ने, स्वप्निल सर ने लिया होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, इसको उल्टा करने का, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करने का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके नोटबुक में, नोटबुक नहीं, आपने आपके दिमाग में होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली व्हाट हैपेंड ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, आई थिंक ये सब चीज़ें हैं वो क्लास में पढ़ाई जाती है 10th में 9th में, तो अभी कोरोना पैंडेमिक के चलते, मतलब टीचर ने सिखाया होगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें उसका केयर लेना पड़ेगा। सो दोज हु हैव नॉट सीन दैट दे विल राइट डाउन, अदर्स ऑल्सो दे विल राइट डाउन, नोट डाउन। तो इसको कितना बोलेंगे, इधर से इतना लिया, ये मतलब कितना हो गया, पाई बाई 2, इसको पूरा लिया, ये बन जाएगा पाई, ये बन जाएगा पाई, हाँ तो 270 कैसे करेंगे, इंटू पाई बाय 180, हाँ 3 6 18, 3 9 27, 3 2 6, 3 3 3 pi/2, समझ गए। और ये आएगा पूरा एंगल, पूरा एंगल अगर लिया मैंने तो ये आएगा 2π,
Are you getting my point? ठीक. So I will suggest you to note this down. Then now we'll go for factorization and defactorization and allied angle geometry for trigonometric ratios. So before that note this down. और ये सब है वो आपका सब में work power energy में सब जहाँ पे आपका cos theta sin theta वगैरह आएगा वहाँ पे ये आपको use करना ही पड़ेगा. तो note down that. We'll go for next. हो गया. अभी आगे जाते हैं. आगे जाने में आप अपन को अभी क्या करना है. नाउ वी हैव टू गो फॉर सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ओके. तो हमें आपको आई थिंक आपको टेंथ में हुआ होगा बट आई थिंक इट्स माई ड्यूटी टू वंस अगेन शेयर विथ यू. ओके. देर आर सम फॉर्मूले. ओके. पहला आता है साइन ए प्लस और ए माइनस बी. तो इकट्ठा ही दिखाता हूँ ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस ए प्लस माइनस बी. ओके. दूसरा आएगा कॉस ए प्लस माइनस बी. ये दो आएंगे तो भी बहुत आएगा नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो साइन ए प्लस माइनस बी. साइन का क्या साइन ए कॉस बी. इधर प्लस है तो इधर भी प्लस इधर माइनस तो इधर माइनस प्लस माइनस कॉस ए साइन बी. वेरी इंपॉर्टेंट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. कॉस का क्या आता है कॉस का आता है कॉस ए कॉस बी. इधर प्लस है तो इधर उल्टा करने का माइनस और इधर माइनस तो इधर प्लस माइनस प्लस साइन ए साइन बी. ओके. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. और भी है साइन ए प्लस साइन बी वो भी है टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू समथिंग लाइक दैट. बट राइट नाउ वी विल यूज दिस टू गेट सम अलाइड एंगल ज्योमेट्री. सो अलाइड एंगल मीन्स वॉट जो हटके है हमें क्या मालूम है. हाँ तो हमें मालूम है साइन 90 मतलब साइन पाई बाई टू वन कॉस पाई बाई टू जीरो. तो उसके आगे जो है वो हम करेंगे. तो कुछ आपको ऐसे आ सकते हैं साइन पाई बाई टू प्लस थीटा. आप कर सकते हो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा. ये आपको करने के लिए आपके हमारे साथ करते जाओ बेटा. हाँ तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा साइन ए कॉस बी. तो क्या बनेगा बेटा साइन पाई बाई टू कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई टू साइन थीटा. थोड़ा ये क्या बन जाएगा साइन पाई बाई टू. साइन पाई बाई टू कितना आता है आपका वन आता है कॉस पाई बाई टू जीरो आता है. तो ये तो जीरो आएगा और ये वन आएगा मतलब कितना आ गया कॉस थीटा. तो साइन 90 प्लस थीटा किया तो आपको कॉस थीटा मिलता है. समझ गए. ठीक है. और साइन 90 माइनस थीटा किया तो भी यहाँ पे निगेटिव आएगा आपका फॉर्मूला वही चलेगा. मतलब साइन पाई बाई टू कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई टू साइन थीटा. लेकिन ये तो जीरो ही होने वाला है और ये वन होने वाला है. तो क्या हम लिख सकते हैं क्या हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको हटा देते हैं डायरेक्टली इसको लिखते हैं कॉस थीटा और प्लस माइनस लिखा तो भी चलेगा. तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा एंड साइन पाई बाई टू माइनस थीटा. इन दोनों का आंसर क्या आएगा आपका आएगा आपका कॉस थीटा. कैसे किया आपने देखा होगा नहीं तो वीडियो को पॉज करके फिर से रिवाइंड करके फिर से देखो. अभी जाते हैं साइन पाई प्लस थीटा. हाँ ठीक है पहले पाई का वैल्यू आपको मालूम नहीं होगा ना 90 तक पढ़ाया आपने. तो कॉस जाते हैं कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा करके देखते हैं. कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी. कॉस पाई बाय टू कॉस थीटा माइनस साइन पाई बाय टू साइन थीटा बराबर. और दूसरा आएगा कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा ये सेम आएगा
कॉस पाई बाय टू कॉस थीटा प्लस साइन पाई बाय टू साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस पाई बाय टू कितना आएगा आपका, वन आएगा, सॉरी जीरो आएगा, कॉस 90 जीरो आएगा, तो ये बन गया जीरो, तो ये पूरा जीरो बन गया। साइन पाई बाय टू वन बन गया, साइन पाई बाय टू वन बन गया, तो ये क्या बन गया, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो मेरा दूसरा रूल क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, यहाँ पे प्लस आएगा ना, बराबर यहाँ पे तो प्लस ही आता है, माइनस थीटा, ये माइनस है सॉरी प्लस है, तो माइनस साइन थीटा, और कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा आया तो उसको आएगा प्लस साइन थीटा। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट रूल्स, रूल्स मीन्स आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका हिंट देता हूँ, जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना, जो हम बोलते हैं उनको 60-30 कॉम्प्लीमेंट्री ना, हाँ, तो साइन 60 लिखा तो कॉस 30 आएगा, है ना, वही है। तो दिस इज द वे, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन राइट डाउन दिस, ओके। ये हो गया अभी पाई बाय टू के बारे में, हो गया ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, अभी हम थोड़ा सा स्टडी करते साइन और कॉस वेव का। तो साइन वेव ऐसे दिखाते हैं, साइन फंक्शन बोलते हैं उसको, साइन फंक्शन दिखाते समय हम दिखाते ऐसे, क्या करने का, इसका पार्ट करने का, एक मिनट। एक्चुअली फिजिक्स इज फुल ऑफ मैथ्स ओनली, सो इफ यू आर नोइंग मैथ्स वेरी वेल देन देयर इज नो प्रॉब्लम। मैथ्स मीन्स बेसिक मैथ्स, हाँ, नॉट एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स का भी ज़रूरत लगता है, जिसका मैथ्स अच्छा हो उसके लिए फिजिक्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। एक दो तीन चार, नाउ वी विल डू, नाउ विल फर्स्ट स्केच द वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म कैसे आएगा बेटा, वेव फॉर्म आएगा ऐसे, ये हो गया साइन, इसको बोलते हैं साइनयूसॉइडल, वो लिखने का जरूरत नहीं, साइन लिखता हूँ यहाँ पे, हाँ, साइन थीटा का ग्राफ ये ऐसे आएगा, ये आएगा साइन थीटा का ग्राफ, यहाँ पे लिखते हैं ग्राफ फॉर साइन थीटा। अब ये क्या है, तो इसको ऐसे लिखने का, ये जो एंगल है इसको ऐसे लिखते जाने का, जीरो पाई बाय टू पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई। ये क्या है एक्चुअली, ये एक आपका पूरा सर्कल है, सर्कल को देखा आपने, हाँ, ये 0, ये आ गया पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ पे रखा है, आगे वाला पोर्शन यहाँ पे रखा है, खाली उल्टा सीधा वो होता है। ये आएगा 1 और ये आएगा माइनस 1, ये आएगा 0, बराबर। तो अभी तो अपने को वैल्यू मालूम है ना, साइन थीटा, हाँ, और यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, आपको मालूम है, पहले तो मालूम है 0, हाँ 30, 30 मतलब पाई बाय 6, 30 के बाद में 45 पाई बाय 4, बाद में 60 पाई बाय 3, बराबर, बाद में 90 पाई बाय 2, और एक आपको याद होना चाहिए उसके बाद में, ये बोले पाई 180 को बोले पाई। तो ये आपको मालूम है 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 रूट 3 बाय 2 1, और इसके बाद में साइन पाई 0 आएगा, सॉरी ये 1 नहीं ये 0, सॉरी वेरी सॉरी। तो साइन फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 2 पाई इंटरवल, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं इसको, ये तो ये एंगल है, ओके, तो एंगल के टर्म में उसको डिफाइन किया है ना, ओके, ये समझ गए। तो साइन 0 0 आ गया, साइन पाई बाय 2 1 आ गया, साइन पाई 0 आ गया, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस 1 आ गया, साइन 2 पाई 0 आ गया। तो साइन विल बी 0 ऑलवेज फॉर 0 पाई 2
पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो हर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए साइन जीरो रहेगा, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। इसके बाद में हम कॉस का ग्राफ निकालने के लिए जाते हैं। ओके चलो अभी इसको हटाते हैं और कॉस के लिए जाते हैं। तो बेटा कॉस के लिए क्या आएगा अभी वो देखते हैं। तो पहले साइन का ग्राफ वैसे ही फिर से निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि आपको कंपैरिजन जब करना है उस टाइम को आपको वो देखना पड़ेगा साइन का क्या था और कॉस का क्या है। तो आपको कंपैरिजन करने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक, दो, तीन, चार, एक को ठीक से कर देते। अरे यार क्या हो गया, अरे यार इट्स नॉट गेटिंग डन पास, दैट्स ऑल। इसको बीच में से हटा देते हैं, है ना, इसको भी हटा देते। थोड़ा अभी इसको मैंने अगर किया देन आई कैन गेट इट लाइक दैट। दिस इज फॉर साइन, दिस इज फॉर कॉस। साइन का कैसे बताया आपको, आपको मैंने ये ऐसे आता है। थोड़ा सा इसको ठीक करो, तो ये कितने लिखा, जीरो पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू और ये बन गया टू पाई। आया समझ में? और ये कॉस फंक्शन जीरो पाई बाय टू पाई, सेम थ्री पाई बाय टू टू पाई। बट वाइल कैलकुलेटिंग, वाइल स्केचिंग कॉस फंक्शन विल स्टार्ट विथ कॉस जीरो इज वन ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वन एंड दिस इज माइनस वन, दिस इज जीरो। सो कॉस विल स्टार्ट विथ वन, देन इट विल कम टू जीरो, देन इट विल बी गोइंग टू माइनस वन, देन जीरो, देन अगेन वन। तो ये वन जीरो माइनस वन, तो इधर से आपको वैल्यू समझा। कॉस जीरो वन, कॉस पाई बाय टू जीरो, कॉस पाई माइनस वन, कॉस थ्री पाई बाय टू अगेन जीरो, कॉस टू पाई वन। अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय टू वन, साइन पाई जीरो, साइन थ्री पाई बाय टू माइनस वन एंड साइन टू पाई इज इक्वल टू अगेन जीरो। ये बन गया साइन के लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू। वैसे ही कॉस के लिए क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाय टू जीरो, कॉस पाई माइनस वन, कॉस थ्री पाई बाय टू जीरो, कॉस टू पाई प्लस वन। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो यू कैन डू calculations like that. Okay, so I will suggest you first of all to note down these graphs, then I will give you some problems to solve, homework, and then we will try to solve that. Okay, note this down. Okay beta, iske baad mein hum jaate hain, we will go for some small problems. Problems matlab practice ke liye, baki kuch nahi hai. To maine jo aapko sikhaya hai to aap kaise kar sakte hain, तो मैं आपको ऐसे एंगल्स दे दूंगा, दे मे बी 90 प्लस और 90 माइनस। ओके, तो होमवर्क इसको सॉर्ट आउट करके आपको लिखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि अपन को क्या क्या याद रखना है, अपन को वैल्यूज याद रखना है, जीरो पाई बाय सिक्स, पाई बाय फोर, पाई बाय थ्री, पाई बाय टू एंड पाई। जीरो का मतलब जीरो, पाई बाय सिक्स थर्टी, पाई बाय फोर फोर्टी फाइव, पाई बाय थ्री सिक्सटी, पाई बाय टू नाइन्टी, पाई 180। और यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, साइन जीरो जीरो, साइन थर्टी हाफ वन बाय रूट टू, सिक्सटी रूट थ्री बाय टू, दिस इज वन एंड दिस इज जीरो।
गेटिंग माई पॉइंट? ओके, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, वन रूट थ्री बाई टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू और ज़ीरो, और यहाँ पे कॉस पाए माइनस वन। तो ये आपको चार्ट ध्यान में रखना है। ओके, और मैं आपको कुछ एंगल दे दूँगा तो उसको स्प्लिट करके आपको लिखना होगा। ओके, यू हैव टू राइट दैट बाय स्प्लिटिंग द एंगल। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। तो यहाँ पे होमवर्क देते हैं, साइन 120। सो बाकी कुछ लिखते नहीं हम इतना, डिग्री वगैरह ऐसा वो आप समझ के ले लो। सो होमवर्क वन, साइन 120। अभी 120 को कैसे लिखने का, 90 प्लस 30। होमवर्क टू, कॉस 120, ये आपको स्प्लिट करके लिखना होगा। इसके बाद में होमवर्क थ्री, साइन 135। कॉस 135। होमवर्क फाइव, साइन 150। होमवर्क सिक्स, कॉस 150। हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज करने का, फॉर एग्जाम्पल साइन 120, 120 को कैसे लिखने का, दैट इज साइन 90 प्लस 30, मतलब साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। अगर ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, 90 आपको वैल्यू मालूम है तो कितना है, तो आपको मैंने रूल दिया है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना आता है, कॉस थीटा आता है। तो इसको डायरेक्टली आपने लिखा कॉस 30, और कॉस 30 का जितना वैल्यू आता है आपका कॉस 30 का रूट 3 बाय 2, तो ये डायरेक्टली आपका रूट 3 बाय 2 वैल्यू आ सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये पहला होमवर्क बन गया, तो इसको मैं हटाता नहीं हूँ। नेक्स्ट वी विल गो फॉर, इसको भी नोट डाउन करके लो, इसको हटाने वाला हूँ मैं। ओके, पॉज करो, नोट डाउन करो। ओके, बन गया। अभी हम सीखेंगे थोड़ा सा आगे का, पाई बाय टू प्लस हो गया, पाई प्लस हो गया, अभी साइन पाई प्लस माइनस थीटा। तो देखो ये कैसे आएगा, साइन पाई सॉरी कॉस थीटा प्लस माइनस कॉस पाई साइन थीटा। अभी कॉस पाई माइनस वन आता है, तो इसको अच्छा है कि हम सेपरेट लिखेंगे, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैं इसको पहले प्लस कर देता हूँ, बाद में माइनस करता हूँ, तो माइनस को हटा देता हूँ। तो देखो क्या आएगा, साइन पाई, साइन पाई कितना आएगा, जीरो कॉस थीटा, जीरो इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस पाई माइनस वन इंटू साइन थीटा, ये तो जीरो बन गया और ये माइनस साइन थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा बेटा कितना आ गया, माइनस साइन थीटा। समझ गया बेटा। दूसरा दूसरा आप करो अभी, साइन पाई माइनस थीटा, ये होमवर्क के लिए ले लो। और एक है कॉस पाई प्लस थीटा, ये होमवर्क के लिए ले लो। कॉस पाई माइनस थीटा, ये भी आप ले सकते हो होमवर्क के लिए, बराबर। सो दीज आर द थिंग्स, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, द सेम साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा,
कॉस पाई माइनस थीटा. गेटिंग माई पॉइंट? ये क्यों यूज़ करते हैं? बहुत जगह पे आपको ये यूज़ करने के लिए मतलब इट विल बी मच मोर यूजफुल फॉर यू इन मेनी मेनी प्रॉब्लम कैलकुलेशंस. अदरवाइज व्हाट हैपेंस, वी आर डूइंग एवरीथिंग बट एट लास्ट सम स्मॉल कैलकुलेशंस एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस देन दोज कैलकुलेशंस विल बी देयर एट इज ओके एंड देन आवर एफर्ट्स विल बी गोइंग इन वैन. ओके सो फॉर यूर ट्रिग्नोमेट्री दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. जस्ट लाइक आई स्टार्टेड विद साइन कॉस. हाँ साइन कॉस रेशियो टी रेशियोज यू आर नोइंग. आफ्टर दैट वॉट इज द ग्राफ ऑफ साइन, वॉट इज द ग्राफ ऑफ कॉस, दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन. वॉट आर द एंगल्स, डिग्री रेडियन, हाउ टू कन्वर्ट. ओके तो वो भी एक्सरसाइज आपको देते हैं, है ना? तो आपको अगर चाहिए तो आप कर सकते हो. ओके तो ये होमवर्क हो गया. अभी डिग्री रेडियन आप क्या करो, बेसिक एंगल का मैंने दिया है, बेसिक एंगल का दिया है. ओके तो मैं आपको 10-10 प्रॉब्लम देता हूँ कन्वर्टिंग डिग्री टू रेडियन एंड कन्वर्टिंग रेडियन टू डिग्री. सो होमवर्क, कन्वर्ट फ्रॉम और कन्वर्ट इन रेडियन. वन 40 डिग्री, टू 50 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री, कौन सा भी ले लो, 240 डिग्री, 450 डिग्री कर सकते हो. मतलब 362 पाए हो गया ना, तो उसके आगे भी जा सकते हैं वो. और दूसरा होमवर्क लेते हैं, होमवर्क नंबर टू, कन्वर्ट इन डिग्री. पहले देते हैं पाई बाय फाइव, पाई बाय फाइव रेडियन है, रेडियन इसको रैड बोलने का, बाकी का ऐसे ही देखो. पाई बाय फाइव, टू पाई बाय थ्री, थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई, पाई बाय फाइव, पाई बाय फाइव दिया ना, पाई बाय टेन, फोर पाई बाय थ्री, 5 पाई बाय 7 हो गया, दिस एंड दिस. सो यू हैव टू सॉल्व दिस. तो हर टाइम मैं आपको होमवर्क तो पूरा देता हूँ पक्का, आप मुझे पूछते भी हो, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम. सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग दिस ऑल्सो यू विल डू इन योर नोटबुक एंड देन यू विल शो आफ्टरवर्ड्स, दैट इज नो प्रॉब्लम. जस्ट उसको चेक करो आया है कि नहीं आया है. This will be your hands-on practice of doing the convergence from degree to radian, radian to degree. So today, beta, we have seen the practice for problems in work, force into displacement, how we are getting that. Then we have done practice for pressure, three problems. Then we have done the practice for some trigonometric ratios, some trigonometric identities also. So that also you have to keep in mind. Or at last, ये होने के बाद एक छोटा सा एक हम क्या बोलते हैं उसको, एक छोटा सा प्रैक्टिस लेते हैं, थोड़ा सा अलग सा. तो आपको क्या क्या याद रहना चाहिए, याद होना चाहिए वो बताऊँगा. यहाँ पर ही बताता हूँ, नहीं इसको हटा देता हूँ. I will rub this. Okay. तो अभी क्या है, अभी आपने देखा होगा फिजिक्स में ज़्यादा अभी कुछ मैं सीखा नहीं रहा हूँ. आई एम नॉट गिविंग यू बिग आइडिया अबाउट दोस इन फिजिक्स, नो, बट आई एम गिविंग यू द प्रैक्टिस फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच विल बी इन फ्यूचर
very important and very necessary for you. They will be useful in each and every step. Without knowing them, you will not be becoming clever. Yeah, na? An ideal student for the physics, yeah, na? Achieving good marks and all. So if you have to do that all, then at first, whatever these all things are there, you must be good in them. गुड इन दम. और ये करने के बाद में आपको फिर से पीछे देखना नहीं पड़ेगा. हाँ, आप बोलोगे दो चार महीने के बाद, ये क्या मारा डे सर, ये क्या सिखाया था हमको, अभी हमें आता है वो. तभी हमको लगता था अरे कितना है, और बाप रे का है कितनी, हाउ मच इट इज़ डिफिकल्ट, लाइक दैट यू आर थिंकिंग. बट राइट नाउ सर नो प्रॉब्लम, लाइक दैट यू विल ओनली टेल मी. ओके, बट राइट नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आपको और भी क्या और क्या क्या करना है आपको मालूम होना चाहिए. ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, आई नो दैट आपको मालूम होगा. ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब. ओके, ये मालूम होना चाहिए. और कुछ है, ए पी जी पी तो आपका मैथ्स में हुआ होगा, बाइनोमियल एक्सपांशन. ये अगर नहीं है तो बाद में आपको आपके बेसिक चालू होगा. बेसिक इससे आगे बेसिक मैथ्स चालू होगा. ये तो फाउंडेशन बन गया, इसके आगे आपको बेसिक मैथ्स में क्या क्या लगेगा वो भी सर आपका ले लेंगे, तो उसमें वो आएगा सब. तो ये सब आपको दिस थिंग्स यू मस्ट बी नोइंग. तो डिग्री टू रेडियन हमने सीखा, अब ये भी सीखा. नहीं सीखा मतलब ये आपको मालूम होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. ये दिस इज एवरीथिंग यू मस्ट बी नोइंग. अंडरस्टूड? ओके, नाउ वन मोर थिंग आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट दैट. हाँ, सो आई थिंक यू आर नोइंग दैट डिस्टेंस फॉर्मूला एंड एवरीथिंग. ओके, तो दैट वी विल नॉट डू. ओके, आई विल जस्ट टेल यू. सपोज दिस इज वन पॉइंट एक्स वन वाई वन, और दिस इज अनदर पॉइंट एक्स टू वाई टू. ओके, सो दिस डिस्टेंस यू आर कैलकुलेटिंग ना. So that distance formula, section formula, everything you must be, that I want to say you. Okay, iske baad mein, after that, the things related with straight line, slope point form, double intercept form, the two forms, two point form, double intercept form, slope point form, this formulae you must be knowing. And lastly, the roots of quadratic equation. माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये आपको याद होना चाहिए. सो बेटा, डू द प्रैक्टिस फॉर वॉट एवर आई शोन यू, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, बिकॉज दैट्स बिकमिंग, दैट विल बी बिकमिंग योर फ्रेंड इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट विल हेल्प यू. सो फॉर टूडे आई थिंक दैट्स इनफ. वैसे तो आज हॉलीडे है, तो वंस अगेन ईद मुबारक फॉर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टू ऑल ऑफ यू, एंड डू ऑल एक्सरसाइज. वंस अगेन टुमारो वी विल मीट विथ नेक्स्ट पॉइंट. टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून विथ फिजिक्स. थैंक यू, बाय बाय.